न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते भूमाफिया। मामला काकोरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित राम खेलावन निवासी ग्राम मैदा परगना बिजनौर तहसील सरोनी नगर जिला लखनऊ में भूमाफिया द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि कंप्यूटर वाद संख्या 20 24 54 10 46 00004, वाद संख्या 0004/2024 DDC उप संचालक चकबंदी अंतर्गत धारा 48 में निगरानी दाखिल है। न्यायालय में विचाराधीन मामले में दूसरा पक्ष जबरन जमीन कब्जा करने प्रशासन और राजस्व की टीम लेकर पहुंच गया। जब आला अधिकारी ने फटकार लगाई तो सभी टीम लेकर राजस्व के कर्मचारी और भूमाफिया गायब हो गए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। खास बात यह भी है कि राजस्व प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अलावा कलेक्ट्रेट में काम कर रहे एक कर्मचारी अजीत कुमार श्रीवास्तव भी इसमें कब्जा कराने पहुंचे थे। जब न्यायालय के जज महोदय ने लेखपाल महोदय को फोन करके पूछा कि वह कैसे पहुंच गए, यह मामला तो न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर अभी तक कोई फैसला भी नहीं आया है, तो कैसे कब्जा कर रहे हैं। इतनी बात सुनते ही संबंधित लेखपाल अजय महोदय और दूसरा पक्ष महसीता तुरंत वहां से चली गई। सूत्र बताते हैं कि काकोरी पुलिस को इस बात की सूचना भी नहीं थी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब पीड़ित लखनऊ पुलिस से और लखनऊ जिला अधिकारी से कार्यवाही और न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित की यह बीती। राजधानी लखनऊ में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, प्रशासन इन सभी के आगे नतमस्तक नजर आता है। ऐसा ही मामला काकोरी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मौदा परगना बिजनौर और तहसील सरोनी नगर का सामने आया, जहां कुछ दबंग भूमाफिया कल दिन दहाड़े प्रशासन की मिली भगत से जमीन को कब्जा करने पहुंच गए। सबको लेकर पीड़ित जब न्यायालय की शरण में पहुंचा, जहां पर मामला न्यायालय में विचाराधीन था, इनके अधिवक्ता ने तुरंत जज से शिकायत की। आनंद पानन में सभी भूमाफिया और प्रशासन के लोग वहां से फरार हो। इन सबको लेकर बड़ी बात यह है कि इसमें कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी अजीत कुमार श्रीवास्तव, जो कलेक्ट्रेट का काम छोड़कर राजस्व में जमीन कब्जा कराने पहुंचे थे। हमारे साथ पीड़ित जो राम खिलावन है, उनके भाई हैं, जो इस पूरे मामले में संघर्ष कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला है, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सर, मैं अनिल कुमार राव, मौंदा ग्राम मौंदा का रहने वाला हूँ। तहसील हमारी सरोजनी नगर है, थाना काकोरी। अरे, क्या हुआ था कल? अरे सर, हम लोग कोई इतला नहीं, कोई खबर नहीं। दोपहर में अचानक कोई बाग में नहीं था। खसरा नंबर हमारा 244 है, तो नापने आ गए 792 नापने। वहाँ वो लेखपाल थे, अजय कुमार यादव, वो गए थे। तो मामला कोर्ट में चल रहा था जी सर। तारीख कब है इसकी? तारीख 30। क्या काहे के लिए पड़ा था? निगरानी के लिए जी सर। इस पर फैसला तो आया नहीं ना? नहीं। तो कौन लोग पहुंचे थे कब्जा करने? अजय श्रीवास्तव, अजय कुमार यादव लेखपाल। और कौन पहुंचा? और यहाँ 39 नंबर कमरा पे महिला कौन पहुंची? महिला ये ममता। ममता, तो ममता कौन है इसमें? ममता जिससे कोर्ट चल रही है। तो क्या ममता क्या बताती है अपने आपको? अपने आपको बताती है, मैं प्रकाश की पुत्री हूँ। प्रकाश कौन थे? मेरे भाई थे। तो ठीक हुई पुत्री प्रकाश की? कोई उनके परिवार वाले और कौन कौन है? राम खिलावन है, अशोक है, अनिल है। और तो ये जो शिकायत आपने की है, आज कहाँ पे की है? डीएम को की है जी सर। तो डीएम ने क्या आश्वासन दिया? इंक्वायरी कार्रवाई। अच्छा, इसमें ये जो कोर्ट में है, कहाँ पे किस कमरा में बैठते हैं जो अजीत कुमार बाबू हैं? 39 नंबर। इस प्रार्थना पत्र के मुताबिक वो एक कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं जिनका नाम अजीत कुमार श्रीवास्तव है। कहा जाता है सरकारी कर्मचारी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो भी तब जब मामला न्यायालय में विचाराधीन। पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप है कि संबंधित दोषी लेखपाल अजय यादव, ममता और अजीत कुमार श्रीवास्तव और संबंधित जो भी लोग इन दबंग भूमाफियाओं के साथ जमीन को कब्जा कराने गए थे, उन पर कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार कर रहा है। देखने की बात यह है कि इन दबंगों के खिलाफ आखिर किस तरह की कार्रवाई होगी।
क्योंकि पीड़ित ने इसकी लिखित तहरीर लखनऊ जिला अधिकारी को भी दी। सहयोगी भरत के साथ में लखनऊ।